आज इस वीडियो में जानेंगे कि बोई यानी बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन पे चल के सारा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी बोई यानी बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से पैसे निकालना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा पूरा वीडियो देखते रहिए। एटीएम पर आपको इस प्रकार से बोई यानी बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन मिलेगा। आपको अलग टाइप का भी एटीएम मशीन मिल सकता है, पर जो पैसे निकालने का प्रोसेस है वही रहेगा जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले अपने एटीएम कार्ड को बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन में यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपको एटीएम मशीन के स्क्रीन पर आना है। स्क्रीन पर आपको इस प्रकार से आएगा ऑप्शन, देखिए प्लीज इंटर पिन। यहाँ पे आपको अपने एटीएम कार्ड का जो सीक्रेट पिन नंबर होता है उस पिन नंबर को आपको यहाँ पे सबसे पहले डाल देना है। डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगला ऑप्शन ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, देखिए प्लीज सिलेक्ट द ऑप्शन विड्रॉल बैलेंस इंक्वायरी पिन चेंज। तो यहाँ पे आपको पैसे निकालने के लिए सबसे ऊपर विड्रॉल वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगला ऑप्शन आएगा, देखिए अगले ऑप्शन में लिखा हुआ है प्लीज इंटर द अमाउंट। यहाँ पे आपको अपना अमाउंट डालना है, यानी जो पैसे आप बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से निकालना चाहते हैं वो पैसे यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मैं 500 रुपये निकाल के दिखाने और 500 रुपये टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, सबसे नीचे देखिए ट्रांजेक्शन बिगनिंग प्रोसेस प्लीज वेट, थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद जो भी आप अमाउंट निकालना चाहते हैं वो अमाउंट आपको बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से देखिए इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। जैसे मैं 500 रुपये आपको निकाल के दिखाने वाला था वो मेरा निकल के आ गया और एटीएम मशीन के स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। अब आपको अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन से इस प्रकार से निकाल लेना है। जैसा कि आपने देखा, आप इसी प्रकार से बोई यानी बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको सारा प्रोसेस करके दिखा दिया पैसे निकालने का, तो यहाँ पे अगर आपके मन में कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।